जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूँ सभी मेरे मित्रगण अच्छे होंगे। दरअसल दोस्तों, डीआरडीओ और अडानी एयर स्पेस ने एक ऐसा हथियार बनाकर तैयार कर लिया है जो कि दुश्मन को संभलने तक का मौका नहीं देगा। दोस्तों, ये जो हथियार बनाकर तैयार किया गया है अडानी एयर स्पेस और डीआरडीओ की तरफ से, इस हथियार की सबसे विशेष बात ये होने वाली है दोस्तों, इसे ड्रोनों से फायर किया जाएगा। लेकिन दोस्तों, इसे फाइटर जेट में भी इंस्टॉल किया जा सकता है, लेकिन जो इसकी यूएसपी है वो है ड्रोन हथियार, यानी कि इसे ड्रोनों में लगाकर बड़ी ही आसानी से फायर किया जा सकता है। जैसा कि आप सभी मित्रगण समझ पा रहे होंगे, ये एक एयर टू सरफेस मिसाइल होने वाली जिसका इस्तेमाल हमारे ड्रोनों में किया जाएगा। और इस मिसाइल को स्पेशली डेवलप किया गया है मूविंग टारगेट्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए, दुश्मन के बंकरों को डिस्ट्रॉय करने के लिए, साथ ही दुश्मन की हवाई पट्टियों और रनवे को तबाह करने के लिए। आपको बताना चाहूंगा, इस मिसाइल का नाम होने वाला है यूएलपीजीएम और इसके चार अलग अलग वर्जन आने वाले। एग्जाम्पल के लिए, यदि दुश्मन के बंकर को तबाह करना है तो इस यूएलपीजीएम में पीसीबी वॉरहेड का यूज किया जाएगा। और इसी कड़ी में दोस्तों, यदि किसी दुश्मन के टैंक को तबाह करना है तो इस कंडीशन में इस मिसाइल में डबल ए वॉरहेड को इस्तेमाल किया जाएगा। और आप सभी मित्रगणों को एक बात और बताना चाहूंगा, ये जो यूएलपीजीएम मिसाइल है ये फायर एंड फॉरगेट तकनीक के ऊपर काम करने वाली है। और दोस्तों, सबसे अच्छी बात तो ये है, इस मिसाइल ने अपने सारे ट्रायल एंड टेस्ट कंप्लीट कर लिए हैं और जल्द ही इस मिसाइल का बल्क में प्रोडक्शन होने वाला है। और दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा, इस मिसाइल की सबसे बड़ी विशेषता तो ये है, ये ना सिर्फ काफी ज्यादा लाइट वेट और कॉम्पैक्ट मिसाइल है, यानी काफी ज्यादा छोटी मिसाइल है, और इसका जो टोटल वेट है वो करीब 8.5 किलो के आसपास बताया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, ये तबाही उतनी ही बड़ी मचाती है, इस मिसाइल को छोटा पैकेट बड़ा धमाका कहना भी गलत नहीं होगा। और आप सभी मित्रगणों को बताना चाहूंगा, इस मिसाइल की जो ऑफिशियल रेंज है वो 1.5 से 2.5 किलोमीटर के बीच बताई जा रही है। और इस मिसाइल के अंदर इंफ्रारेड सेकी सेंसरों का भी उपयोग किया गया है। और इस मिसाइल की सबसे विशेष बात तो ये है कि इसमें 2 किलो तक का किसी भी प्रकार का वॉरहेड लगाया जा सकता है। और इसकी जो दूसरी विशेषता है वो -20 डिग्री से लेके +65 डिग्री तक कैसे भी टेम्परेचर में सफलतापूर्वक इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, जो कि इसे और ज्यादा खतरनाक बना देता है। और आपको बताना चाहूंगा, इस मिसाइल की एक्यूरेसी 0.1 मीटर है, जो कि काफी ज्यादा इंप्रेसिव मानी जाती है। इसका सीधा सा मतलब है दोस्तों, यदि इस मिसाइल को किसी भी यूसीएवी से दागा जाता है तो ये सीधा अपने टारगेट को जाके हिट करेगी और कुछ ही पलों के अंदर अपने टारगेट को ध्वस्त करके रख देगी। इस मिसाइल का सबसे बड़ा फायदा ये भी है दोस्तों, यदि हमें कभी भी किसी भी दुश्मन क्षेत्र में बॉम्बिंग करनी पड़ती है तो ऐसे में हमारे जवानों को एक जगह बैठे बैठे बॉम्बिंग करने का, जिससे कि किसी भी तरीके की कैजुअलिटी की संभावना 0 हो जाती है। साथ ही इस तरीके की यूसीएवी और इस तरीके की मिसाइलें युद्ध जैसी स्थितियों में काफी ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव भी होती है। खबरें निकल कर आ रही है कि आने वाले टाइम में भारत के ज्यादातर ड्रोनों में इसी तरीके की मिसाइलों का उपयोग किया जाएगा और इस मिसाइल का भी बड़े पैमाने में उपयोग किया जा रहा है। बाकी पूरे मुद्दे पे आप सभी की क्या राय, अपने विचार जरूर बताएं।